इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक्टर अनु कपूर को हार्ट अटैक आया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जाने माने अभिनेता हैं अनुपम कपूर, और अब बता दें कि अनु कपूर को हार्ट अटैक आने के बाद गंगाराम हॉस्पिटल में अब उनका इलाज चल रहा है। बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर होस्ट अनु कपूर से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि उन्हें गुरुवार को हार्ट अटैक आया, इसके बाद उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्टर का दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अनु कपूर अपने किसी काम के लिए दिल्ली आए हुए थे, और यहाँ पर दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में वो ठहरे हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनु कपूर को गुरुवार की सुबह गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। सर गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष यानी कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया है कि अनु कपूर को चेस्ट में प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि अनु कपूर को हार्ट अटैक आया है, और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। गंगाराम हॉस्पिटल ने भी इस बात का जिक्र किया है कि उनके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, जिसके बाद उन्हें एडमिट किया गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है कि आखिर उन्हें हार्ट अटैक आया, किस वजह से वो पहुंचे अस्पताल, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, इसके बाद उन्हें एडमिट किया गया दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि एक्टर अनु कपूर को हार्ट अटैक आया है, ये जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। किसी काम की वजह से वो दिल्ली आए हुए थे और एक होटल में ठहरे थे, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया, उसके बाद उन्हें एडमिट किया गया। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है।